सब्सक्राइब एंड लाइक डिजिटल खबरें फॉर मोर अपडेट्स। ये उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसने काफी लोगों के बयान लिए हैं और भी कुछ बयान बाकी है, जो भी कानून में वहाँ पे है जो भी इंक्वायरी होगी वो हिसाब से आगे कर रही सर। डेविड हेडली का जो साथी था मेन कॉन्स्पिरेटर जो यहाँ पर रहकर तस्वीरें लिया मुंबई की और लश्कर तोबा के साथियों को सौंपा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, खासतौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से प्रत्यर्पण को लेकर किस तरह की कोशिशें आगे आने वाले दिनों में की जाएगी? सभी को पता है कि मुंबई में जो 26/11 का जो दहशतवादी हल्ला हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था, और खास करके जो डेविड हेडली जो इसकी जो साक्षी हुई थी वो साक्षी में उसने बताया था कि तनूर राणा का एजेंट करके डेविड हेडली काम कर रहा था। अभी तनूर राणा के बारे में हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनसे बातचीत करके राज्य शासन अगला कदम उठाए। केंद्र से भी इस मामले में आप लोग बात करें? केंद्र से भी बात करेंगे, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात करके आगे में क्या करना चाहिए इसके बारे में। सर एक सवाल और, सुशांत वाले केस में आपने जिस तरह से बयान दिया था प्रोफेशनल राइवल भी हो सकती है, मुंबई पुलिस उसी दिशा में जांच कर रही है, अभी तक 15 लोगों का बयान दर्ज किया गया है आज ही पुलिस का। सुशांत राजपूत के बारे में अभी मुंबई पुलिस उसकी पूरी इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी के बाद में मालूम पड़ेगा क्या क्या प्रोफेशनल राइवल।